सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को टेक्निकल वाइट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस टेक्निकल वाइट चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जो लगभग सभी कंप्यूटर यूजर को फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, कभी किसी वजह से हमारे कंप्यूटर का सभी प्रोग्राम एक जैसा हो जाता है, मतलब कि वो सभी प्रोग्राम का आइकॉन एक जैसा हो जाता है और उन सभी प्रोग्राम को रन करने पर भी वे एक ही प्रोग्राम में खुलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बताऊंगा, ठीक करने के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सवाल मुझसे मेरे कई सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था। मेरे कई सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम आए थे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे ठीक करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो अभी मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आपको जितने भी आइकॉन्स दिख रहे हैं वे सभी एक जैसे हो जाएंगे, मतलब कि वे सभी प्रोग्राम्स एक ही प्रोग्राम में ओपन होगा। तो आप जो है इसे कैसे ठीक करेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है और फिर हमें यहाँ पे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रेगेडिट, REGEDIT। तो जैसे ही आप ये टाइप करते हैं यहाँ पे ये आ जाता है और आपको जो है इसे क्लिक करके इसे ओपन करना है। तो ये हमारा रेगेडिट एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। इसमें हमें एच की करेंट यूजर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एच की करेंट यूजर्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं। इस सब फोल्डर्स में हमें यहाँ पे क्लिक करना है सॉफ्टवेयर फोल्डर पर। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर फोल्डर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर फोल्डर है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सब फोल्डर दिखेंगे। तो इन सब फोल्डर में हमें क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर पर। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर इसके अंदर और भी सब फोल्डर्स हैं, इसमें हमें विंडोज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे विंडोज़ है, इस पर हम क्लिक करते हैं और फिर इनके अंदर भी कुछ सब फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे हमें करेंट वर्सन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है हमें करेंट फोल्डर है, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद इसके भीतर भी कुछ सब फोल्डर्स हैं, इसमें हमें एक्सप्लोरल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरल पे हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे कुछ सब फोल्डर्स हैं, तो इसमें हमें फाइल एग्जिस्ट पे क्लिक करना है। तो फाइल एग्जिस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर आपको यहाँ पे डॉट लिंक सब फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितने भी फोल्डर्स दिख रहे हैं और फिर आपको इसके अंदर जितने भी सब फोल्डर्स दिख रहे हैं उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। तो हम यहाँ पे दो फोल्डर्स हैं तो इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जब उन्हें भी ये प्रॉब्लम आए तो वो इन्हें फेस कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।